तो आज हम सीखने जा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन ड्रिल। डिस्ट्रैक्शन ड्रिल क्या है अब आपको लगेगा, क्योंकि वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक ग्रेट फाउंडर ने इसे इन्वेंट किया होगा, नहीं तो इसे इन्वेंट किया है आइंस्टाइन ने। तो इस टेस्ट को आप यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आप कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टडी के लिए। और उसके बाद इस टेस्ट से आपको ये मतलब आपकी जो रीडिंग है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर एक लाइन पढ़ते हो तो वो समझ में नहीं आता है, तो आप उसे बार बार पढ़ते हो, तो इससे क्या होगा, आगे जाके आप एक ही बार रीड करोगे तो एक ही बार में अंडरस्टैंड हो जाएगी लाइन। तो मैं बताता हूँ कि ये टेस्ट कैसे करी जाती है। आपको चाहिए वो एक पेन, एक कौन सी भी व्हाइट शीट या आपकी नोटबुक, और जिस मटेरियल की आप कर रहे हैं स्टडी। तो पहले क्या करना है, आपको एक वॉच चाहिए, मीन्स कौन सी भी वॉच, टाइमर सेट कर सकते हैं आप। आपको 3 मिनट का टाइमर सेट करना है। अब ये जब आपने टाइमर सेट कर दिया, पहले आपको क्या करना है, आपकी जो स्टडी मटेरियल है तो उसमें से आपको रीडिंग करनी है। हमें ये पढ़ रहा हूँ वाइल्ड लाइफ, तो जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंटरफ्रेंस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज बिन डिक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट। यहाँ पर क्या हुआ, मुझे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, या मेरे मन में स्कूल के थिंग्स आ गए, या फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे हैं ऐसे थिंग्स आ गए, तो वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और वहाँ से मेरा स्टडी पर से ध्यान मेरा हट गया। तो अब मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रैक्शन ड्रिल में क्या है, रीडिंग से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि जो पेन और पेज है आपका, तो पेन से पेज पर एक लाइन खींच देनी है आपको। तो इसके पहले गाइस हमें क्या करना है, जो आपका पेज है तो उस पे आपको एक सेंटेंस लिखना है, नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडी। ये जो सेंटेंस है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, आप जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जब आप लाइन खींचते हो उस पेज पर, उसके पहले ये सेंटेंस लिखना है और इस सेंटेंस को मन से अप्लाई करना है खुद पर। मतलब जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और जब आप बोलेंगे कि नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई स्टडीज, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ना हाँ, मुझे मेरे स्टडी से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उससे क्या होगा कि आप कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए ये आपको पता चल जाएगा। और जो स्टॉप वॉच है तो वो मदद करेगी कि आपको 3 मिनट का जब टाइमर सेट कर दिया है आपने, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप 3 मिनट में कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। सपोज यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ते वक्त मैं 4-5 बार डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो उसमें 4-5 बार लाइन खींच देनी है, या जैसे आपको प्रॉपर लगे आप लाइन की जगह नंबर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। सपोज आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए, 2 बार डिस्ट्रैक्ट हुए, तो नंबर से भी इंडिकेट कर सकते हैं या लाइन से भी। अगर ये 21 डेज अपनाएंगे यही ट्रिक, तो फिर क्या होगा, आगे जाके आप जब एक वही लाइन पढ़ोगे, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंटरफ्रेंस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज बिन डिक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, तो ये आप पहले ही बार में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो ये जो टेस्ट है आपको 21 डेज के लिए यूज करनी है। अगर 21 डेज के बाद रिजल्ट अच्छा आता है तो आप उसे अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं।